वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मोस्टली मैंने ये देखा है कि बच्चे केमिकल रिएक्शंस तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन वो इस उसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज करना भूल जाते हैं या उनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो उसको उसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी होती है। और अल्कोहल तो आप देखोगे कि कितना वर्सेटाइल एक कंपाउंड है, कितना वर्सेटाइल ग्रुप है अल्कोहल, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी इसके लोअर ज्यादातर जो अल्कोहल्स होते हैं या फिनॉल्स होते हैं, दे आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेनली होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के संग बनता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके संग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना। हाइड्रोजन इनके संग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अल्कोहल में ओ आता है, ऑक्सीजन है, तो वो हाइड्रोजन के संग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम देखेंगे। और पहली हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इससे पहले आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि इससे आपका फर्स्ट चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, हेलो एल्केन एंड हेलो ऑलिन का। वहां पर भी हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था और वहां हमने ये समझा था, अगर आप वो चैप्टर कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। देखिए, वहां पर मैंने आपको दो चीज बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जब लिक्विड स्टेट जो है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो रही है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने जो ये पहले पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पर अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए अब ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। वहां हम आपको बता चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जितना भी लोअर मेंबर्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो लॉन्ग होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट में जो हम देखते हैं, वो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जहां पर ब्रांच्ड कंपाउंड्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, वहां पर सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वहां पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। तो जितनी भी लॉन्ग चेन्स होती हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये दो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। अभी मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और करवाऊंगी कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्रोजन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इफेक्टेड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पहले हम इससे रिलेटेड जरा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। यहाँ मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मिथेनॉल, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं आपको अल्कोहल के। अब ये जल्दी से आप जरा अपनी नोटबुक में इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपको क्या दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पर देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम अगर मॉलिकुलर मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किसका मॉलिकुलर मास सबसे कम होगा, पहले यहाँ पे मॉलिकुलर मास के लिए आप क्या करेंगे, आप कार्बन काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पेंटेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर 5 कार्बन आ रहे हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन आ रहे हैं। मैं इस तरह से कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पर भी 4 कार्बन आ रहे हैं, इथेनॉल में 2 कार्बन आ रहे हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, मिथेनॉल में 1 कार्बन आ रहा है। तो अगर हम मॉलिकुलर मास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आता है, मिथेनॉल, मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये मिथेनॉल जो है ये फर्स्ट नंबर पे आप लिखोगे, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट। इसके बाद ये आता है इथेनॉल, 2 कार्बन आ रहे हैं इसमें, तो मॉलिकुलर मास इसका कम हुआ ना, तो ये हो जाएगा इथेनॉल।
इसके बाद आप देखेंगे दो कार्बन के बाद आया है ये तीन कार्बन, प्रोपेन वन ऑल, राइट। इसके बाद थ्री कार्बन के बाद आया फोर। अब देखो यहां पर फोर यहां पर भी है और यहां पर भी है, ब्यूटेन वन ऑल भी है, ब्यूटेन टू ऑल भी है। अब आप मुझे बताइए हम इनमें से किसको लेंगे पहले। अगर हम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मॉलिक्यूलर मास तो इनका दोनों का सेम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है। अब हम किस पर स्विच करेंगे, अब हम देखेंगे उसको सरफेस एरिया के हिसाब से, किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ब्यूटेन वन ऑल का कि ब्यूटेन टू ऑल का। ऑब्वियसली ब्यूटेन वन ऑल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले कौन सा आ जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हुआ, ब्यूटेन टू ऑल का। तो यहां पर आप ब्यूटेन मैं इस तरह से लिख दे रही हूं टू ऑल, इसके बाद आ जाएगा ब्यूटेन वन ऑल, राइट। अब ये अब आपको यहां पर एक ये चीज समझ में आ गई है कि आप किस तरह से अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो आपको सेकंड क्राइटेरिया क्या लेना है। फोर कार्बन हो गए, अब फाइव कार्बन कहां गया, ये रहा फाइव कार्बन, तो सबसे बाद में आ जाएगा पेंटेन वन ऑल, पेंटेन वन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पेंटेन वन ऑल का होगा, देन ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, प्रोपेन वन ऑल, इथेनॉल, एंड सबसे कम जो होगा वो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर हो गया ये आपको कॉन्सेप्ट। अब इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फटाफट नोट कर लो इसको। अब हम देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करती है। ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी, इसमें अल्कोहल की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा इफेक्ट होती हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आगे आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस इसकी, तो वहां पर भी आप देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए C2H5OH इथेनॉल हो गया एंड मिथॉक्सी मीथेन CH3OCH3। जरा ये देखना इनमें कोई सिमिलैरिटी है, फटाफट आप जरा नोट डाउन करिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस करिए यहाँ, क्या इन दोनों जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, फटाफट बताइए। देखिए C2H6O अगर मैं इसका कंडेंस कर दूं तो C2H6O, यहाँ पर C2H6 and O सेम हो गए, इसका मतलब क्या है, बोथ आर आइसोमर्स, ये दोनों क्या है, आइसोमर्स। समझ में आ गया ना कि दोनों आइसोमर है। अब दोनों आइसोमर है लेकिन जब हम इसका एक्सपेरिमेंटली देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है इससे, मिथॉक्सी मीथेन से बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज्यादा आता है। तो रीजन क्या है, रीजन देखो, ये इथेनॉल का, क्योंकि जो एल्कोहल है बच्चों उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर बनेगी, ऑक्सीजन के संग, नाइट्रोजन के संग एंड फ्लोरीन के संग। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए C2H5OH मैंने इस तरह से दिखा दिया क्योंकि मेरे को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझानी है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमने इस तरह से रखा है और दूसरा मॉलिक्यूल ये भी इथेनॉल का है, मैंने इस तरह से लिखा है जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी वो आपको शो कर सके। अब क्या होगा, ये देखो ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये है इथेनॉल का, एक मॉलिक्यूल ये है, तो इनमें जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है दे आर मोर स्टेबल, मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉन्ड्स। तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये मैंने मिथॉक्सी मीथेन के दो मॉलिक्यूल ले लिए, अब क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, नहीं आएगी ना, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, इसलिए इसका, जबकि दोनों आइसोमर्स हैं तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मिथॉक्सी मीथेन का और इथेनॉल का ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ये आपको, फटाफट नोट करिए। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सॉलिबिलिटी। जो अल्कोहल्स हैं इनकी सॉलिबिलिटी वाटर में कैसी होती है,
नॉर्मली अगर आप देखोगे इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, आप लेबोरेटरी में देखते होगे, दे आर इजी सॉल्युबल इन वाटर। तो जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, इट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है। तो जितने भी लोअर मेंबर्स होंगे, जैसे मैंने बताया आपको इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये ज्यादा सॉल्युबल होंगे। अभी आप कार्बन चेन बढ़ाते जाओ, प्रोपेनॉल कर दो, ब्यूटेनॉल कर दो, पेंटेनॉल कर दो, तो क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या है, जो R ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, ये क्या होता है, ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है चीजें। तो जितना हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी होती जाएगी, उतना ही वाटर से हीटिंग, वाटर से दूर जाना ये शुरू हो जाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। तो जो लोअर मेंबर्स हैं, वहां पर ये इफेक्टिव होता है कि जो OH है, वहां पर जो हाइड्रोकार्बन है, लोअर मेंबर्स में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कम होते हैं, तो वहां पर ये वाला करेक्टर जो है वो कम लगता है, ये वाली प्रॉपर्टी कम लगती है। वहां पर डोमिनेट क्या होता है, डोमिनेशन आता है OH का, कि हाइड्रोफिलिक है। तो इससे जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, और जो हायर मेंबर्स हो जाते हैं, जहां पर हाइड्रोकार्बन चेन ज्यादा लंबी हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं कंपाउंड में, वहां पर उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखो, इसके लिए भी, सॉल्युबिलिटी के लिए भी मेन जो इसकी अल्कोहल की जो एक करेक्टरिस्टिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो जो वाटर में ये सॉल्युबल होता है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के संग भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है। तो जब बॉन्ड्स इजीली बन जाएंगे तो क्या है, वो सॉल्युबल हो जाएगा उसमें। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको दो मॉलिक्यूल दिखाए हैं। देखो, CH3OH, मिथेनॉल ले लिया हमने, यहाँ पे मिथेनॉल ले लिया, आप इथेनॉल भी ले सकते हो। अब ये वाटर मॉलिक्यूल हमने बीच में ले रखा है, अब देखिए इनमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर के हाइड्रोजन के संग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये जब इसने वाटर के संग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो वाटर में मिक्स हो गया, सॉल्युबल हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप ईथर में देखो, तो ईथर में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल किसके संग बनाएंगे, तो ये इसके संग तो बनाएंगे नहीं, इस ऑक्सीजन के संग फ्री हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन के हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं होता है, ऑक्सीजन के संग डायरेक्टली हाइड्रोजन आना चाहिए, जो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के संग या हाइड्रोजन के संग बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो यहाँ पर कोई फ्री हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल, ईथर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि हम लोगों ने देखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब क्या ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑब्वियसली होता है ना, ये तो हमने बहुत ही नॉर्मली देखा है इन चीजों को कि ग्लूकोज जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इतने नंबर ऑफ कार्बन है, फिर क्यों वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसका रीजन आप ये दोगे, अगर कोई भी आपसे पूछता है, तो जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप लगे होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना करके दिखा देती हूँ। देखो, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, इसको चेक करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये बिल्कुल फिक्स है, जहां पर मैं OH लगा रही हूँ ये वहीं पर OH लगेंगे, और ये आप पढ़ोगे, जब मैं बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगी तो आप इसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ H, यहाँ पर H, इधर H, ये पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप इसमें जरा काउंट करिए, कितने कितने OH आ रहे हैं, इसमें जरा काउंट करके देखिए आप, इसमें फटाफट काउंट करिए कितने OH आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 OH ग्रुप इसमें आ रहे हैं, इसकी वजह से
ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के संग ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती हैं, तो इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज इतना ही करिए, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए एंड स्टे सेफ।